हाय गाइस, मैं हूं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का CUET by स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, क्या है इसके पॉजिटिव रिव्यूज, क्या है नेगेटिव रिव्यूज, फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी है, इन्हीं तमाम तरीके की बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये आपकी प्यारी सी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओवरऑल पिक्चर काफी सुंदर कैंपस है ये, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हाइलाइट्स की। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड का थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें, ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, 2000 जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। टाइप स्टेट यूनिवर्सिटी है, लोकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले हम ये जान लें कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कैंपसेस लाए करते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तो वैसे ही यहाँ पर जो है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर 700 एफिलिएटेड कॉलेजेस लाए करते हैं। जी हाँ, अब हम बात करें यहाँ पर रैंकिंग की, तो यहाँ पर 2 कॉलेजेस जो हैं टॉप 50 में आते हैं और कुछ कॉलेजेस यहाँ पर टॉप 150 की रैंक पर आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कैंपस एरिया की, तो यार 1000 एकड़ में फैला हुआ ये विशाल और भव्य कैंपस है, ठीक है। यहाँ पे बात करें एडमिशन्स 2023-2024 की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे एडमिशन्स होते हैं। एडमिशन्स होते हैं JEE के थ्रू, CUET के थ्रू, UG और PG दोनों कोर्सेज में यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं इन दो एग्जाम्स के थ्रू, JEE और CUET, विच इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो है 14th of August 2023। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। तो 14 अगस्त जो है इसकी आखिरी डेट है वाया CUET अप्लाई करने की, ठीक है। यहाँ पर बात करें कोर्सेज अंडर CUET, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं CUET के तहत, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले UG कोर्सेज, हमारे सामने काफ़ी सारे UG कोर्सेज की लिस्ट है। सबसे पहले बात करें BTech एग्रीकल्चर, उसके बाद BTech बायोटेक्नोलॉजी, BPharmacy, इसी के साथ बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, इसके साथ बैचलर ऑफ डिज़ाइन, तो ये तमाम तरीके के जो हैं यहाँ पर UG कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। और बात करें यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर की, पर्टिकुलरली कौन कौन से कोर्सेज में कितनी फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स और फीस के हिसाब से यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया हुआ है। BTech के लिए 55,000 एनुअल फ़ी यहाँ पर रहती है, बैचलर इन आर्किटेक्चर के यहाँ पर पर्टिकुलर जो फीस है वो है 57,730 पर एनम, ये आपकी फ़ीस रहती है। बात करें BFA कोर्स के लिए, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर फीस है वो है 85,250। तो ये जो ओवरऑल कोर्सेज हैं उनके साथ यहाँ पर आपको ओवरऑल फ़ी स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। आगे बात करें और दूसरे जो PG कोर्सेज हैं उनकी, अगर हम बात करें यहाँ MBA के लिए 59,700 यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर है, MPharma के लिए 68,750, इसी तरह से MPlan के लिए यहाँ पर जो फ़ीस स्ट्रक्चर बताया गया है विच इज़ 76,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से यहाँ पर ओवरऑल फ़ी स्ट्रक्चर बताया गया है। अब प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले वहाँ प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है प्लेसमेंट्स के लिए, तो वो भी देखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कंपेयर करें 2022 ईयर की, अगर हम ओवरऑल डेटा की यहाँ पर बात करें, तो प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ का रहा है 90% स्टूडेंट्स यहाँ से प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.13 करोड़ पर एनम यहाँ पर जो है हाईएस्ट पैकेज रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 लाख पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज रहा है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स ने जहाँ पर यहाँ पर रजिस्टर किया था, 7,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 2022 में रजिस्टर किया था। और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं अलग अलग कॉलेजेस, जैसा मैंने पहले बताया 700 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो उनके तहत यहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं।
आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनके तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तहत यहाँ पर कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और इसी के बाद प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ इन लखनऊ। इसके बाद कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं AKTU के। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी में सिचुएटेड हैं। इसी के साथ डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर हैंडीकैप्ड, ये जो है यहाँ कानपुर में सिचुएटेड हैं। तो ये जो हैं कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो AKTU से अफिलिएटेड हैं। आगे कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम यहाँ पर बात करें, आप देख सकते हैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यहाँ पर गाज़ियाबाद में सिचुएटेड है। अगर बात करें यहाँ पर गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में ये सिचुएटेड है। इसी तरह से JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये भी नोएडा में सिचुएटेड है। और इन्हीं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जो AKTU के तहत आते हैं उनमें ये सिचुएटेड है। आगे बात करें कनेक्टिविटी की, तो यार नियरेस्ट एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहता है, ठीक है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं मुंशी पुलिया जो यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नोटेबल एलुमिनाई की बात करते हैं कौन कौन से ऐसे यहाँ के स्टूडेंट्स रहे हैं जो अपने अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, दिग्गज बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहला नाम है सुधांशु त्रिवेदी, जी हाँ ये MP रह रहे हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसी के साथ प्रवीण कुमार निषद ये भी MP रह चुके हैं। तो ये कुछ नोटेबल एलुमिनाइज यहाँ के हैं। हैंग आउट प्लेसेस कौन कौन से हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, तो यहाँ पर वो सभी हैंग आउट प्लेसेस भी देख सकते हैं। नुक्कड़ कैफ़े हो गया या हज़रतगंज या छोटा इमामबाड़ा, ये सभी जो हैं कुछ हैंग आउट प्लेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं ओवरऑल पॉजिटिव रिव्यूज़ की या नेगेटिव रिव्यूज़ की। सबसे पहले पॉजिटिव रिव्यूज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले काफ़ी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल एंड गुड। यहाँ पर कैंपस है, यहाँ पर 1000 acres भी फैला हुआ है। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं। आगे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड हैं, जैसा कि हमने पहले देखा प्लेसमेंट्स जो हैं 2022 के तहत। अफोर्डेबल फीस है, गुड कनेक्टिविटी है। तो ओवरऑल ये कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स का नेगेटिव रिव्यूज़ में क्या कहना है, जाहिर सी बात है किसी चीज़ के प्रोज देखने हैं तो कॉन्स भी देखने ही पड़ेंगे। अब यहाँ नेगेटिव रिव्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन, यहाँ पर बोला गया है AKTU हैज़ अ लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू गेट इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स। तो ओवरऑल लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर ओवरऑल फैकल्टी जो है हर किसी पर जो है इंडिविजुअल अटेंशन नहीं प्रोवाइड कर सकती। कॉम्पिटिशन की बात करें, कॉम्पिटिशन जो है एंड प्लेसमेंट जो है काफ़ी यहाँ पर हाई है, कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है फॉर गेटिंग गुड ग्रेड्स। लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, क्यों है, क्योंकि रिलेटिवली नॉन डाइवर्स यूनिवर्सिटी है विद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश यानी UP के ही हैं, तो इसीलिए लैक ऑफ डाइवर्सिटी भी यहाँ पर देखने को मिली है स्टूडेंट्स को। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर एक नेगेटिव रिव्यू में शामिल है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब ऐसे एलिगेशंस हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, क्या निष्कर्ष निकलता है इन सब से, तो यहाँ पर बात करें अल्टीमेटली जो डिसीजन है आपका इसमें एडमिशन लेने का, वो आपकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ और एक गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ, तो AKTU इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप स्मॉलर कॉलेज ढूंढ रहे हैं ज़्यादा इंडिविजुअल अटेंशन के लिए फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स, तो देन यू मे वॉन्ट टू कंसिडर अदर ऑप्शन। तो ये ओवरऑल आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेज और पर्सनल इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात की हमने डॉक्टर AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में।
इससे रिलेटेड और कोई डाउट है, और कोई क्वेरी है, और कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।